भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा इस बार सरकार बनाने के लिए नहीं कांग्रेस को जड़ समेत उखाड़ फेंकने का करना है काम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का यह दौरा दूर दूर से आए कार्यकर्ताओं में अंदर से जोश भरने वाला रहा। 32 मिनट के भाषण की शुरुआत ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मालिक की उपाधि देकर की। भाजपा जिंदाबाद के नारों के बीच अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए अपने उद्बोधन में निशाने पर रखा, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को इशारे से मिस्टर बंटाधार कहा। अपने उद्बोधन में अमित शाह ने नगर केंद्र, ग्राम केंद्र और पार्टी के पालक संयोजकों से कहा कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता ही हमारा मालिक है, उनकी ही बदौलत हमारी पार्टी आज 19 राज्यों में जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब पार्टी में कुल जमा 10 सदस्य हुआ करते थे, आज आपकी ही बदौलत भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की नंबर एक पार्टी बन चुकी है। कार्यकर्ताओं की ओर मुखातिब होते हुए अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारा नारा अब की बार 200 पार का है और विश्वास है कि ऐसा ही होगा। रीवा और शहडोल संभाग से आए ग्राम केंद्र, नगर केंद्र के संयोजकों से अमित शाह ने कहा कि अगर हर बूथ को आपने संभाल लिया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। आइए सुनते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं में किस अंदाज से भर दिया जोश। कई बार मध्य प्रदेश वालों ने सरकार बनाने का काम कर दिया, किया या नहीं किया भाई, जरा जोर से बोले किया है या नहीं किया है। मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ना है। सरकार बनाने का काम कई बार मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया है, इस बार मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव कांग्रेस को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देने के लिए लड़ना है। और मित्रों, जब ये चुनाव इतनी प्रचंड विजय के साथ हमें जीतना है, मैंने जैसे कहा कांग्रेस को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है, तो ये चुनाव नेताओं के आधार पर नहीं जीते जा सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नेताओं के आधार पर नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मेरे शक्ति केंद्र और बूथ के कार्यकर्ताओं के आधार पर। जब जब भी प्रचंड विजय मिली, परिवर्तनकारी विजय मिली, वो प्रचंड विजय के मूल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पसीना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की निष्ठा रही है, यही हमारी विजय का मूल कारण। और इसी कारण है 1950 से शुरू हुई हमारी यात्रा आज यहां तक पहुंची, 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी पार्टी आज 11 करोड़ सदस्य के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके कभी संसद में 2 सदस्य हुआ करते थे, विधायक भी उंगली के माध्यम से गिने जाए इतने हुआ करते थे, और आज 1800 से ज्यादा विधायक है। देश में सबसे ज्यादा विधायक किसी पार्टी के पास है तो भारतीय जनता। देश में सबसे ज्यादा सांसद अगर किसी एक पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश में 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। और मित्रों, ये भारत माता का मानचित्र उठाकर देख लीजिए, भारत माता के मानचित्र पर देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा आज शान के साथ लहरा रहा है। तो मेरे पास 129 योजनाओं की पूरी सूची है, समय नहीं है, समय कम है, मगर मैं पढ़ूंगा जरूर। और पढ़ते वक्त आपको लगे कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है,
तो ताली बजाकर उस वक्त रोक लीजिएगा। मैं पढ़ू जोर से, जरा बोलिए पढ़ू, ध्यान से सुनिएगा जरा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, मूल्य स्थिरीकरण, स्वच्छ भारत। भैया अभी तो मैं 13 तक पहुंचा हूं, 13 में आपने ताली बजा दी, 129 योजना मेरे मध्य प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये राहुल बाबा हमें पूछ रहे हैं, ये राहुल बाबा हमें पूछेंगे कि क्या किया। अरे मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई, देश की सुरक्षा को निर्बल करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। राहुल गांधी के विंध्य के दौरे के बाद बदली चुनाव फिजा का रुख बदलने अमित शाह विंध्य के दौरे पर आए। सतना के बाद रीवा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा। अब देखना होगा अमित शाह के दौरे के बाद विंध्य की फिजा किस ओर करवट बदलती है। रीवा दर्शन के लिए शादाब सिद्दीकी। अध्यक्ष जी के दौरे के बाद विंध्य में क्या फिजा देखा? कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है। उनके लगभग 45 मिनट के भाषण में एक एक शब्द जो था वो भारत माता को समर्पित था, और देश की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल के दौरान किस प्रकार से कुशासन का बोलबाला रहा है, सभी पहलुओं को समेटे हुआ उनका भाषण था, जो कार्यकर्ताओं के दिलों और दिमाग में में पहुंचने का काम जिसने किया है। और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ आए थे उससे दुगने उत्साह से वो जा रहे हैं। पिछले बार जहाँ पर 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 30 में से विंध्य में, इस बार आपको क्या लग रहा है? मैं तो ये मानता हूँ कि 30 में से 300 सीट जीतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है जिसके कारण लोग हमको वोट ना दें। विकास की पराकाष्ठा हुई है, और गांव, गरीब और किसानों के लिए जिस प्रकार से काम पहले अकेले शिवराज सिंह चौहान जी करते थे, अब नरेंद्र मोदी जी का साथ उनको मिल गया है। ये दोनों एक और एक मिल के दो नहीं हुए हैं बल्कि 11 हो गए हैं। तो इसलिए हर वर्ग, हर समाज, गांव, गरीब, किसान, सभी के कल्याण की जिस प्रकार से योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना ना चाहे। मैं माननीय श्रेष्ठ नेतृत्व जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के उद्बोधन से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, और जिसमें और किसी भी दल को कोई भी जगह नहीं मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का जो आगमन हुआ, उससे विंध्य की जनता और विंध्य के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में लगता है जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जाते हैं वहाँ वहाँ ऊर्जा का संचार होता है। अध्यक्ष जी ने जो कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि अब की बार कांग्रेस को मूल से समाप्त करना है, उससे जबरदस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा है। संदेह पहले भी स्थितियाँ बहुत अनुकूल थी हमारे, और माननीय अध्यक्ष जी के दौरे के बाद तो बहुत ऊर्जा मिली है। हर उनके उद्बोधन से जनता प्रभावित है, जो कार्यकर्ता अमित शाह जी हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व संगठन के, उनके आने से हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पूरे मनोबल के साथ भरपूर हो गया है। और जो एक नारा है कि अब की बार 200 पार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अमित शाह जी ने जो आज हम लोगों को जो बताया है और समझाया है, उससे हमारे जो कार्यकर्ता है, बंधु है और हमारी बहनों में एक ताकत जोश उत्पन्न हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी रीवा संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन था, और ये हम लोगों के लिए गौरव का बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ और ग्राम केंद्र के कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात कहने आए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी रीवा आए, उन्होंने बूथ लेवल पर पूरे कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा है, बूथ लेवल कार्यकर्ता जितने कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें इतना उत्साह हुआ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आएगी, हर क्षेत्र में आएगी और 200 पार करेगी, ये मेरा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर बनेगी। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का रीवा दौरा समाप्त हुआ। अभी मैं आपको बता दूं
कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए थे। अमित शाह ने अपने भाषण में राहुल बाबा का कई बार उल्लेख किया। मैं आपको बता दूं, इस बार का उनका नारा था अब की बार 200 पार, बूथ जीतो सीट जीतो। अब आगे आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा यहाँ की राजनीतिक बिसात किस करवट बैठती है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।